Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haider. Today we are discussing about new user activation and old customer reactivation license in Tally Prime. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं Tally Prime के new users के activations के बारे में, और अगर जो पुराने users हैं उनको reactivation कैसे करना है अपने license को Tally Prime में Tally ERP 9 से, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के समझ लेते हैं कैसे पहले न्यू यूज़र्स एक्टिवेशन करेंगे। तो अगर आप एक न्यू यूज़र्स हैं और आपने Tally Prime का सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लिया है और इंस्टॉल्ड अपने पीसी में कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं कि इंस्टॉल्ड कैसे करते हैं या डाउनलोड कैसे करते हैं, तो आप जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनके लिंक मैंने दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर कैसे डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को Tally Prime के और कैसे उसको इंस्टॉल करना है पीसी में, वो मैंने बताया हुआ है पूरा डिटेल में, आप उन्हें देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक्टिवेशन की। तो न्यू एक्टिवेशन लाइसेंस कैसे करना है, सबसे पहले एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे आपको क्लिक करना है। ये विंडो आपके सामने आएगी जैसे Tally Prime का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, इस पे आपको क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन आपके सामने होगी। सबसे पहले आपको अपना सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी आपको सीरियल नंबर Tally Prime सॉफ्टवेयर में मिला है, और उसके साथ साथ अपना एक्टिवेशन नंबर यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी डालनी है यहाँ पे, जो भी आपने रजिस्टर्ड कराई है एट ए टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द Tally Prime सॉफ्टवेयर। उसके साथ साथ आपको एक बार दोबारा से अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे कंफर्म कराना है, और उसके बाद ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे, आपकी मेल आईडी पे एक मेल जाएगा और उसमें आएगी आपकी अनलॉक लाइसेंस की। जी हाँ, आपको अनलॉक लाइसेंस की यहाँ पे मेंशन करनी है, और अगर आपको किसी वजह से अनलॉक की रिसीव नहीं हुई है मेल पे, तो आप यहाँ पे F2 प्रेस कर देंगे, तब भी आपको अपनी अनलॉक की मिल जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पे अपनी अनलॉक की मेंशन करनी है, और मेंशन करने के बाद आपको इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा, योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, प्लीज प्रेस एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने सिंपल ये वाली स्क्रीन आ जाएगी Tally Prime की। अब इसमें आपको न्यू कंपनी क्रिएट करना है, तो यहाँ से न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम क्रिएट कंपनी के बारे में और डिलीट कंपनी के बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आप पहले से Tally ERP 9 यूज़र हैं और फिर उसके साथ साथ आप Tally Prime में अपना वर्जन अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको कैसे करना है उसके लिए मैं बता देता हूँ। ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ रही थी सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था Tally Prime का सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हम एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे नहीं जाके हम जाएंगे रीएक्टिवेट लाइसेंस पे। रीएक्टिवेट उनको करना है जो आपके यहाँ पहले से Tally ERP 9 में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर रीएक्टिवेट लाइसेंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जो भी आपकी यूज़र आईडी रजिस्टर्ड है Tally ERP 9 में, वो आपको ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पे, देन अपना पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन योर लाइसेंस की स्क्रीन दिखाई देगी, यहाँ से आपको आपका जो वर्जन है वो सिल्वर है या गोल्ड है। देखिए Tally जो है वो दो तरह के वर्जन आपको देता है, एक गोल्ड वर्जन होता है, एक सिल्वर वर्जन होता है। सिल्वर वर्जन मतलब सिंगल यूज़र्स के लिए होता है, जो सिंगल Tally ERP 9 का सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है, और Tally गोल्ड मल्टीपल यूज़र्स के बारे में होता है। तो आप यहां से अपना वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे और उसको एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां से यस करने का आपको पूछेगा, इस तरह से Tally Prime विल एक्सेस द लाइसेंस विद सीरियल नंबर दिस फ्रॉम दिस, क्लिक यस टू कंटिन्यू एंड नो टू कॉन्फिगर मैनुअली। आपको यहाँ से करना है यस, और जैसे ही आप यहाँ पे यस प्रेस करेंगे, आपका जो पुराना Tally ERP 9 का लाइसेंस या सीरियल की नंबर था वो अपने आप अपडेट हो जाएगा Tally Prime में, और इस तरह की आपकी स्क्रीन आ जाएगी। अब पहले से कुछ कंपनीज आपकी बनी हुई हैं तो इस तरह से यहाँ पे मेंशन होंगी, यहाँ पे माइग्रेशन रिक्वायर्ड बता रहा है, मतलब Tally ERP 9 से Tally Prime में उनमें कुछ माइग्रेशन करना पड़ेगा हमें, उस पर आप एंटर करके माइग्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया
अगर टैली प्राइम न्यू यूजर्स हैं तो आपको कैसे एक्टिवेशन करना है, और अगर आप पहले से टैली ERP 9 चलाते हैं और उसके बाद टैली प्राइम में आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए रीएक्टिवेशन आपको कैसे करना है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। Have a good day. Thank you so much. Bye-bye.